नाम है रिचर्ड एब्राइट। तो रिचर्ड एब्राइट ये कौन है ना, ये हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है जिसने एक नया थ्योरी दिया है किस चीज के ऊपर ना, डीएनए इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, इसको उन्होंने प्रूव किया है। अब इसके बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। स्टोरी का शुरुआत होता है 22 साल के उम्र के दो नौजवान जो साइंटिफिक वर्ल्ड में एक नया थ्योरी लेके आए हैं कि सेल्स कैसे काम करते हैं। तो रिचर्ड एब्राइट और उसके कॉलेज रूममेट जेम्स वॉन्ग इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे थे। उन्होंने एक आर्टिकल में उनका थ्योरी आया है जिस आर्टिकल का नाम है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। सो इट वाज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। तो ये जो जर्नल का बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं पहले पैरा में, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, ये बहुत बड़ा जर्नल है और पहली बार इस जर्नल में किसी कॉलेज स्टूडेंट का पार्ट यहाँ पे पब्लिश किया गया है। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। For Richard Ebright, it was the first in a long string of achievement in science and other fields, and it all started with butterflies. तो यहां तक पहुंचने के लिए जो एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म किए हैं और परफॉर्म करते हुए जो यहां तक वो पहुंचे हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूं। रिचर्ड एब्राइट छोटे से, जब वो छोटे थे तभी से उनके अंदर ये जज्बा था कि कुछ पार्ट्स को सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना है। रिचर्ड एब्राइट पेंसिल्वेनिया में बड़े हुए हैं। पेंसिल्वेनिया एक जगह है जो यूएसए में है, और बहुत छोटे उम्र में उनके पापा गुजर गए और उनकी मम्मी थी उनकी अकेली कंपेनियन, और वो स्टैंडर्ड टू से वो बटरफ्लाइज कलेक्ट करने लगे। सिर्फ बटरफ्लाइज नहीं, कॉइन्स, फॉसिल्स, रॉक्स, तो इन सारे चीजों को वो ढूंढते थे। तो उनके मम्मी ने उनको एक बुक लाके दिया जिस बुक का नाम था ट्रैवल ऑफ मोनार्श एक्स। इस बुक को पढ़ के उनको पता चला क्यों बटरफ्लाइज माइग्रेट करते हैं सेंट्रल अमेरिका में, और उन्होंने इस पार्ट के ऊपर रिसर्च किया और 25 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई को एकत्रित किया। अब धीरे धीरे उसकी मम्मी देखी, उसका जो चाहत है वो चाहत उसका साइंस में बहुत ज्यादा था, वो बड़े होकर एक एस्ट्रोनॉमर बनना चाहते थे। तो उसकी मम्मी उसको टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, माउंटिंग ग्लास, सारे एक्सपेरिमेंट के चीजें लाके देने रहे। स्टैंडर्ड 3 में थे जब उनके पापा का देहांत हो गया। अब धीरे धीरे उनकी मम्मी उनको दोस्तों को घर लाने लगी, और ज्यादा से ज्यादा समय तक उनका बात होता था डाइनिंग टेबल में। सो व्हेन ऑल दिस वाज गोइंग ऑन, इस तरीके से लाइफ चलता रहा रिचर्ड एब्राइट का। पहली बार 7th ग्रेड में जब वो पहुंचे तो उनका आइडिया क्लियर हुआ कि साइंस होता क्या है, क्योंकि पहली बार काउंटी साइंस फेयर में उन्होंने सिर्फ एक फ्रॉग के मसल को माइक्रोस्कोप के नीचे डाल के रिप्रेजेंट किया था। इसके कारण से उनको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो प्रैक्टिकली कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, इट वाज अ स्लाइड शो। तो उस दिन वो समझ गए कि अगर मुझे कुछ जीतना है तो मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो उनके मेंटर, जिनका बुक पढ़ के उनके पास बहुत सारा नॉलेज आया था, वो थे डॉक्टर फेडरिक आर्कहार्ट। ये टोरंटो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे।
और उनको उन्होंने सलाह मशवरा किया उनके साथ, और वो सलाह मशवरा में कहा कि आपके जिस सब्जेक्ट पे आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं उस सब्जेक्ट को लेके ही आप आगे बढ़े, दैट विल बी द बेटर। बहुत अच्छा बात है। तो रिचर्ड एब्राइट नेक्स्ट ईयर क्या किए, ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाए। वो उन्होंने दिखाया कि ये जो बटरफ्लाइज में एक बीमारी होता है, इस बीमारी का कारण है बीटल्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो वो बटरफ्लाई के एक फ्लॉक को बीटल्स के साथ ग्रो अप करवाए, मगर अनफॉर्चुनेटली बीटल्स से ये बीमारी नहीं होता है, ये उन्होंने प्रूव कर दिया, और वो साइंस काउंटी फेयर में जीत गए। अब ये जीत का सिलसिला और नहीं रुका, वो आगे चले और वाइस रॉयस और मोनार्च के ऊपर अच्छी तरीके से एक्सपेरिमेंट्स किए और दिखाए कि बर्ड्स जो होते हैं वो मोनार्च को खाना ज्यादा पसंद करते हैं देन वाइस रॉयस। ये मोनार्च और वाइस रॉयस दोनों बटरफ्लाई के स्पीसीज हैं। इसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़े। अब कॉलेज लाइफ में जब वो पहुंचे तो उन्होंने एक प्यूपा को स्टडी किया, और प्यूपा के ऊपर 12 गोल्डन स्पॉट्स थे। ये 12 गोल्डन स्पॉट्स एक्चुअली क्या थे ना, 12 गोल्डन स्पॉट एक्चुअली ऑर्नामेंटल पार्ट नहीं था, जबकि डॉक्टर अर्कहट का कहना था कि ये जो 12 स्पॉट गोल्डन स्पॉट्स है ये ऑर्नामेंटल पार्ट है, मगर ये ऑर्नामेंटल पार्ट नहीं है। इट वॉज ए डेवलपमेंट हॉर्मोन ऑफ ए बटरफ्लाई, तो जिस हार्मोन के मदद से बटरफ्लाई डेवलप करते हैं। आगे चल के उन्होंने इस गोल्ड स्पॉट से एक नया बटरफ्लाई बनाने के बारे में भी सोचा, और उसके केमिकल बॉन्डिंग को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। इसके बीच में उन्होंने बहुत सारा अचीवमेंट्स हासिल किए, जैसे आर्मी लेबोरेटरी में काम करना, एग्रीकल्चरल लेबोरेटरी में काम करना, जो जीत के तहत उनको मिला था। उसके बाद उन्होंने हैवर यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और इस नतीजे पे पहुंचे कि डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। ये था एक छोटा सा समराइजेशन इस चैप्टर का, लेट्स गो अहेड। तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा किस तरीके से एक 22 साल का नौजवान और उसके साथ और एक उसके दोस्त मिलके कुछ ऐसा थ्योरी पब्लिश किए हैं जो सबसे बड़ा आर्टिकल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में छपा है। एट ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रीव अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया, देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर, ही सेड। आई सडनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। सो ही डिड एंड डिड ही एवर बिगिनिंग in kindergarten, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. So Ebright ne usi idea se sara butterflies ko collection karna shuru kar diya. Unhone kuch rocks, kuch fossils, kuch coins ko bhi collect kiya tha, kyunki wo bade hoke ek astronomer banna chahte the. Wo raat ko taron ko dekhte rehte the. From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. तो पहले से ही उनके अंदर एक God gifted part था, क्या था ना, curiosity, कुछ जानने का आग्रह, कुछ जानने का चाहत, और उसका brain भी बहुत sharp था। He was also had a mother who encouraged his interest in learning. तो उसकी माँ उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी, कंपेनियन थी, जो उनको हर समय मदद करती थी। उन्होंने बहुत सारे ट्रिप्स में उनको ले गए, उनके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल्स और कुछ अदर इक्विपमेंट्स भी ला दिए जो उनको वो हेल्प करेंगे। आई वॉज, ये उनकी माँ बोल रही है, आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड, आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग सम फ्रेंड्स फॉर हिम, but at night we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in third grade. तो third grade में Richie का पापा का देहांत हो गया था, और Richie उसके लिए पूरा life था।
She and her son spent almost every evening in the dining room. So dining room table में वो और उनके बेटे समय बिताते थे. If he didn't have things to do, I find work for him. Not physical work, but learning things, his mother said. He liked it and he wanted to learn. और उनके अंदर जानने का चाहत था, सीखने का चाहत था. And learn he did. He earned top grades in his school. On everyday things, he was just like every other kid, his mother said. So by the time he was in second grade, a bride had collected all 25 species of butterfly found around his hometown. So by the time जब वो second grade पे पहुंचे तो a bride ने already 25 species of butterfly collect कर लिए थे. और यो वो butterflies का एक description यहाँ पे गए दिया गया है. That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children's book called The Travel of Monarch X. तो उनकी माँ उनको एक बुक लाके दिया जिस बुक का नाम था The Travel of Monarch X. और ये बुक जो बताते हैं मोनार्च बटरफ्लाइज क्यों माइग्रेट कर रहे थे सेंट्रल अमेरिका में. और इस बच्चे के लिए एक सुनहरा मौका खुल गया. Open the world of science to the eager young collector. At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migration. So book ke end mein writer ne likha hai, agar aapko koi help chahiye butterfly migration ke bare mein, then I can do it. They were asked to tag butterfly for research by Dr. Frederick A. Arkut. तो डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्कट जिसके बारे में मैंने आपको बताया वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के एक प्रोफेसर थे. एब्रेड की मम्मी ने डॉक्टर आर्कट को लिखा और उसके बाद से एब्रेड धीरे धीरे टैग करने लगे बटरफ्लाई के विंग्स को. किस बटरफ्लाई के? नमूनार्च बटरफ्लाई के. एनीवन हु फाइंड अ टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर आर्कट. तो वो अपने घर से जब बटरफ्लाई को छोड़ते थे उसमें टैगिंग किया जाता था. अगर बीच में किसी को ये बटरफ्लाई मिल जाता है तो प्लीज डॉक्टर आर्कट के पास भेज दीजिएगा. द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट सिक्स वीक इन लेट समर. इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वोंट कैच वेरी मेनी. सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ए ब्राइड वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाईज. ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्च. अगर मैं इस स्टेप के बारे में बात करूं तो बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन जो कि लास्ट सिक्स वीक्स में होते हैं लेट समर में, अगर आप एक एक के पीछे भागते हैं तो आपको ज्यादा नहीं मिलेगा. सो नेक्स्ट स्टेप एब्राइट ने क्या किया, उसने बहुत सारे बटरफ्लाई को पालना शुरू किया. उसने एक फीमेल मोनार्च से उसका एग्स को निकाले और उनको रेज अप किए, बड़ा किए अपने बेसमेंट में उनके लाइफ साइकिल के दौरान. वो लाइफ साइकिल था फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई. एग से कैटरपिलर तक, प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई तक. और उन बटरफ्लाई के विंग्स को वो टैग करते थे. ये सिलसिला बहुत सारे सालों तक चलता रहा. फॉर सेवरल इयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड ऑफ मोनार्च इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. It's tedious and there's not much feedback, Ebright said. In all the time I did it, he loved only two butterflies I had tagged were recaptured. And they were not more than 75 miles from where I lived. So, जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ से 75 माइल दूर उनके दो बटरफ्लाई को टैग किया गया. तो वो इस बात से थोड़ा नाराज से कि उनके बटरफ्लाई ज्यादा दूर नहीं जा रहे. अब आ रहे हैं स्टोरी के मेन पार्ट पे. जब वो सेवेंथ ग्रेड में पहुंचे उनको पहली बार हिंट मिला कि रियल साइंस होता क्या है. जब वो पहली बार एक काउंटी साइंस फेयर में एंटर किए और वहां पे वो बुरी तरीके से हार गए. इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर
and not get anything while everybody else had want something. तो वहां पे बैठ के बहुत बुरा लग रहा था उनको, क्योंकि सारे लोग कुछ ना कुछ जीते हैं मगर वो नहीं. Ebright said his entry was slides of frog tissues. तो उसका एंट्री क्या था ना, उसने एक स्लाइड बनाया था जिसमें फ्रॉग टिश्यूज था और उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाए थे. उन्होंने रियलाइज किया जो विनर्स होते हैं उनको कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा, नहीं सिर्फ ड्रॉ करके या एक मसल रख के उसको माइक्रोस्कोप से नीचे दिखाने से उनको जीत नहीं हासिल होगा. तो उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट था लोगों के साथ कंपीट करने का, और यही Ebright को आगे बढ़ा के ले गया है. आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट. तो नेक्स्ट कमिंग ईयर मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना है जो लोग मेरे को भी जाने, मैं भी कुछ जीतू. ही सेड द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट वर्ल्ड. I had been doing in the past several years. So, उसके पास जिस चीज का knowledge था वो था insects के बारे में. So, he wrote to Dr. Urquhart for ideas. उन्होंने Dr. Urquhart को ideas के लिए लिखा. And came back a stack of suggestion for experiment. और उनके पास बहुत सारे suggestions आए experiments के लिए. Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fair. तो अगर हम लोग इस पार्ट को देखें तो Ebright बॉस बिजी था अपने हाई स्कूल में, और जिस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से वो काउंटी प्रोजेक्ट में इंटरनेशनल साइंस फेयर में हिस्सा लेने जा रहे थे. नाउ ही इज इन एट ग्रेड. तो एट ग्रेड का प्रोजेक्ट क्या था, Ebright ट्राइड टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज. तो Ebright एक वायरल डिजीज का कॉज ढूंढने में लग गए थे, दैट किल्स All monarch caterpillars every few years. तो जितने भी monarch caterpillars थे उनको हर साल मर जाते थे वो एक disease के वजह से. तो Ebright thought the disease might be carried by a beetle. तो Ebright का दिमाग में आया शायद ये जो बीमारी है ये बीमारी beetle से आते हैं. तो उसने क्या किया ना, बहुत सारे caterpillar को grow up किए in the presence of beetles. मगर उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला. उन्होंने कहा कि उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला. बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैव ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वॉन. तो उन्होंने देखा दिखाया कि वो ट्राई किए हैं एक्सपेरिमेंट को करने के लिए और वो इस बार जीत गए. द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थियोरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्च. उसका नेक्स्ट ईयर का जो प्रोजेक्ट था, उस नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट में उन्होंने दिखाया कि दो अलग अलग स्पीसीज है बटरफ्लाई का, एक का नाम है वाइसरॉय एक का नाम है मोनार्च. ये थ्योरी क्या था, द थ्योरी वॉज दैट वाइसरॉय लुक लाइक मोनार्च बिकॉज मोनार्च डोंट टेस्ट टू गुड टू बर्ड्स. तो वाइसरॉय बिल्कुल मोनार्च की तरह देखते हैं क्योंकि मोनार्च को खाने में बर्ड्स को मजा नहीं आता. वाइसरॉय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट good to birds, good taste to bird. So the more they look like monarch, the less likely they are to become a bird's dinner. So the more they look like monarch, the less likely they are to become a bird's dinner. Ebright project was to see whether in fact birds would eat monarch. He found that a starling would not eat ordinary bird food. It would eat all the monarch it would get. So automatically, यहाँ पे एक पार्ट वो क्लियर करना चाहते थे कि वाइसरॉय और मोनार्च के बीच कौन सा बटरफ्लाई को बर्ड्स को खाने में अच्छा लगता है. Ebright said later, research by other people showed that वाइसरॉय probably do copy the monarch. और उन्होंने एक्सपेरिमेंट में दिखाया कि वाइसरॉय मोनार्च को कॉपी करते हैं, और ये प्रोजेक्ट फर्स्ट प्लेस मिला उनको जूलॉजी डिवीजन में, और ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर में उनको थर्ड पोजीशन हासिल हुआ इस एक्सपेरिमेंट के बाद. जब वो सेकेंड ईयर में थे अपने हाई स्कूल के,
Richard Ebride began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. अब सेकेंड ईयर में वो पहुंच गए हैं अपने हाई स्कूल के और यहां पे उन्होंने एक रिसर्च शुरू किया है एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन के बारे में. इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थियोरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स. और इस पर्टिकुलर जो एक्सपेरिमेंट है ये एक्सपेरिमेंट किससे जुड़ा हुआ है? द न्यू थियोरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स. द क्वेश्चन ही आंसर्ड वाज सिंपल. What is the purpose of the 12 tiny gold spot on a monarch pupa? कुछ देर पहले मैं इस पार्ट को लेकर आपको समराइजेशन में बता रहा था कि ये जो मोनार्च प्यूपा के ऊपर जो 12 गोल्डन स्पॉट्स है ये 12 गोल्डन स्पॉट्स क्या है. तो उन्होंने अपने गुरु डॉक्टर अर्कहार्ट से पूछा इसके बारे में और अर्कहार्ट को अपना सजेशन भी बताया मगर अर्कहार्ट ने कहा नहीं वो जस्ट ऑर्नामेंटल पार्ट है वो खूबसूरत दिखाने के लिए है. To find the answer, Ebright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for butterflies' full development. तो उनको एक ऐसा डिवाइस बनाना पड़ा जिस डिवाइस से वो दिखा सकते हैं कि ये जो गोल्डन स्पॉट्स है ये गोल्डन स्पॉट्स नहीं है ये हॉर्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन है जो बटरफ्लाई के पूरे डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है. और इस बार हमारे डॉक्टर रिचर्ड एब्राइट ने पहला प्लेस जीता काउंटी फेयर में और एंट्री की है इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में. उस साल उन्होंने थर्ड प्लेस जूलॉजी में जीता था और उनको मौका दिया गया कहां पे? एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम करने का. क्योंकि इस रिसर्च लेबोरेटरी में ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस थे जो नॉर्मल लेबोरेटरी से नहीं मिलते थे उनको. जब वो हाई स्कूल जूनियर में पहुंचे रिचर्ड अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूड किए. हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्च प्यूपा दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर. तो हर साल उनको एज अचीवमेंट क्या मिल रहा था? ना आर्मी लेबोरेटरी एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का. जब वो सीनियर ईयर में पहुंचे अपने वो एक स्टेप आगे निकल गए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने मोनार्च के विंग से एक कल्चर मीडियम के माध्यम से कुछ सेल्स को डिवाइड की जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू कल्चर. आपके बायोलॉजी में वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बाद आपको मिलेगा टिश्यू कल्चर. ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ए मोनार्च विंग्स इन ए कल्चर एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इन नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ दे वर फीड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्डन स्पॉट. तो उन्होंने एक मोनार्च विंग से एक टिश्यू को लिया एक सेल को लिया और सेल को डिवाइड किए और एक नॉर्मल बटरफ्लाई में डेवलप किए बाय फीडिंग दैट हार्मोन. उस गोल्ड स्पॉट से हार्मोन लेके उस बटरफ्लाई को फीड करके वो बड़ा एक ओरिजिनल बटरफ्लाई बना दिए. और ये प्रोजेक्ट फर्स्ट प्लेस आया जूलॉजी में. कहां पे? ना इंटरनेशनल फेयर में. उसने अपना ये समर ग्रेजुएशन के बाद काम करने में बिता दिए. कहां पे? ना आर्मी लेबोरेटरी में एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट. तो उस साल वो वापस गए और आगे काम करने लगे. किस पार्ट के ऊपर? ना इस हार्मोन के ऊपर. क्योंकि लेबोरेटरी में बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते थे जिसके माध्यम से वो आइडेंटिफाई किए हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर. अ ईयर एंड ए हाफ लेटर ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर एब्राइट गॉट द आइडिया फ्रॉम हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ. इट केम व्हाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन. तो ये आइडिया उनके दिमाग में कब आया? जब वो एक्सरे फोटोज देख रहे थे उसी केमिकल स्ट्रक्चर का जो हार्मोन उन्होंने फाइंड आउट किया है.
When he saw those photos, Evright didn't shout, "Eureka!" or even "I have got it." But he believed that along with his finding about insect hormones, the photos gave him the answer to one of the biology's puzzles. How the cell can read the blueprints of its DNA. DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. ये बात हम सब लोग जानते हैं. ये डिटरमाइन करते हैं सेल के फंक्शन को और इस नतीजे पर वो पहुंच गए कि डीएनए हमारा लाइफ का ब्लूप्रिंट है. डीएनए हमारा लाइफ का ब्लूप्रिंट है. एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर रॉन्ग. इसके नाम मैंने पहले ही आपको बता चुका था कि उसके साथ जो पहले पैरा में जिसका दो नौजवान का नाम आ रहा था, दो नौजवान जिसे एक बहुत बड़े जर्नल में अपना नाम पब्लिश करने में सक्षम हुए थे, वो थे एब्राइट और जेम्स आर रॉन्ग. वर्क्ड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन. टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी. और दोनों ने मिलकर इस पेपर का थ्योरी बनाया जो थ्योरी पब्लिश हुआ था. सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड. तो रिचर्ड एब्राइट हमारे ग्रेजुएशन पास किए थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हाईएस्ट ऑनर्स लेके, और वो पूरे क्लास में सेकेंड आए थे जहां पे 1510 स्टूडेंट थे. एब्राइट वेंट ऑन टू बिकेम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट मेडिकल हार्वर्ड मेडिकल स्कूल. There he began doing experiment to test his theory. वहां पे वो एक्सपेरिमेंट शुरू किए जिस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से अपने थ्योरी को प्रूव कर सकते थे. अगर ये थ्योरी करेक्ट हुआ तो ये बहुत बड़ा स्टेप होगा लाइफ प्रोसेस में. इट माइट ऑल्सो लेड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेस. तो इसके इफेक्ट क्या होगा, इस नए आइडिया से बहुत सारे ऐसे डिजीजेस को हम लोग रोक सकते हैं, दवा निकाल सकते हैं, जैसे कैंसर और ऐसे ही कुछ अदर डिजीजेस के बारे में. तो ये सब मुमकिन कैसे हुआ, सिर्फ और सिर्फ एब्राइट के साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के कारण. हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट्स ऑन ए मोनार्च प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ. रिचर्ड एब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interest. Ebride also became a champion debater and public speaker and a good canoeist and all around outdoor person. So scientist ke ilawa ye bahut acche debater the, public speaker the, aur outdoor games mein bhi ye hissa lete the. Iske ilawa ye bahut acche photographer the जो नेचर और साइंटिफिक पार्ट्स को लेकर डील करते थे. जब रिचर्ड एब्राइट स्कूल में था तो उनका एक बहुत शुभचिंतक टीचर हुआ करता था जिसका नाम है मिस्टर वी हरर. ये वी हरर उनको सोशल स्टडीज पढ़ाते थे और वी हरर ही सोशल स्टडी टीचर एडवाइजर टू बोथ क्लब्स. वी हरर वॉज अ परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन. He opened my mind to new ideas. तो एक छात्र को आगे बढ़ाने के लिए, एक स्टूडेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक टीचर का हाथ पीछे रहना बहुत जरूरी है. Richard would always give the extra effort, Mr. Weherard said. What pleased me was here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research, beside doing all his research with butterflies and other insects. तो वो अपने रिसर्च के साथ साथ डिबेट्स भी करते थे. रिचर्ड का माइंड ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव था तो मिस्टर यू हरर ने कंटिन्यू किया, बट इन अ बैड सेंस ही एक्सप्लेन. रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग शेक. तो रिचर्ड जीतने के लिए या प्राइज मिलने के लिए कभी जीतने का कोशिश नहीं करते थे. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. For the right reasons, he wants to be the best. और वो कुछ कारण के लिए best बनना चाहते थे. And that is one of the ingredients in making of a scientist. Start with the first rate mind. Add curiosity,
mix in the will to win for the right reasons. So Albright has these qualities. और ये qualities उनको कहां से आया? ना Albright का ये qualities आया था उस ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स को स्टडी करने के बाद. उस ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स जो डॉक्टर अर्कहट ने लिखा था, उसने उस बुक ने एक नया वर्ल्ड खोल दिया था Albright के सामने. ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम. रिचर्ड Albright हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. तो कभी भी वो अपना साइंटिफिक क्यूरियोसिटी लूज नहीं किए. एंड दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. If you have any doubts, please let me know, guys.